हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी है मुगलई पनीर पराठा। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 1 कटोरी और आधा कटोरी गेहूं का आटा, दही 2 से 3 चम्मच लेना है, नमक आप टेस्ट के हिसाब से लीजिए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मैंने आधा आधा चम्मच लिया है, और तेल वेजिटेबल ऑयल कोई से भी ले सकते हैं आप, या इसकी जगह पे आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर पानी, मैदा और आटे को गूंद के तैयार करेंगे। इसके लिए एक बड़े बाउल में मैदा और आटा, आप सिर्फ अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आटा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इतने ही टेस्टी बनेगा। फिर आपको चाहिए होगा 2 से 3 चम्मच दही, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आधा आधा चम्मच, नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से, और 2 चम्मच तेल, और फिर अब इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, इसे गूंद के तैयार कर लेना है। मैदे और आटे को मैंने गूंद लिया है, बिल्कुल रोटी की तरह गूंधा गूंधा जाता है इसे। फिर आप इसे ढक के 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, इस तरह से ढक के 2 घंटे के लिए। फ्रिज में नहीं डालना है, आप बाहर ही रखिए इसे। मुगलई पनीर पराठा को भरने के लिए हमें चाहिए होगा पनीर, मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, इसे इस तरह से आप मैश कर लीजिए। 1 मीडियम प्याज को मैंने छोटा छोटा कतर लिया है, पत्ता गोभी मैंने छोटा थोड़ा सा लिया है 2 चम्मच के हिसाब से, 1 अंडा, हरा धनिया 1 चम्मच, 1 हरी मिर्च, और सूखे मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर, सब मैंने 1/4 चम्मच लिया है। सारे मसाले मैंने 1/4 चम्मच लिए हैं। 2 घंटा हो गया है, आटा तैयार हो गया होगा, ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम पराठा तैयार करते हैं। पराठे की फिलिंग तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैन गरम करके इसमें 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हल्का गरम हो जाए फिर इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। अब इसमें पत्ता गोभी डालेंगे। दो चम्मच पत्ता गोभी डालेंगे इसमें, थोड़ा भूनेंगे। सूखे मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, सारे मसाले 1/4 चम्मच मैंने लिए हैं। अब इसे हल्का भूनते हैं। पनीर डालेंगे,
पनीर को अच्छे से मैश कर लेंगे इसमें। नमक डालेंगे, अब अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए, इसे मिक्स करेंगे। बस 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्च। ये तैयार हो गया, इसे ठंडा होने के लिए रहने देंगे। पनीर ठंडा हो गया है, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे एक बर्तन में निकाल के इसमें अंडे को फेंट के डालेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अंडा नहीं यूज करें। पीछे इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर ज्यादा अंडा चाहते हैं तो इसमें एक और अंडा मिक्स कर सकते हैं। अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। आटा लेंगे, जो मैंने गूंद के रखा हुआ था, से एक बड़ी सी चपाती बनाएंगे। सूखा आटा लगा के इसे बेलेंगे। मैंने बड़ी सी चपाती बेल ली है, अब इसमें इसे फील करेंगे। इसे इस तरह से फैला देंगे, अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। पैन गर्म करेंगे, पैन गरम हो गया है, अब इसमें तेल डालेंगे। आप घी भी यूज कर सकते हैं। इसमें इस पराठे को डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। एक तरफ से हो गया होगा, अब इसे धीरे से दूसरी तरफ से पलट देंगे और इसे फ्राई करेंगे। ये पराठा तैयार हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मुगलई पनीर पराठा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।